100 विश्राम 100 सौतन। मैं आपको आमंत्रण देता हूं तो आप राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए चलिए। जय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृ भूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान नहीं की जाए पाए, जाए जान भले ही जाए, विश्वति जय करके दिखलाए, तब हो वे पापूँ हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जैसे थे। एक साथ देशभक्ति की शुरू करेंगे शुरू कर, रे जा से अच्छा हिंदोसिता मारा मारा, सारे जा से अच्छा हिंदोसिता मारा मारा, सारे जा से अच्छा, पर्वत हो सबसे ऊंचा हम सायक आसमां का, पर्वत हो सबसे ऊंचा हम सायक आसमां का, वो सुंदरी हमारा वो पास बा हमारा हमारा, सारे जा से अच्छा हिंदोसिता मारा मारा, सारे जा से अच्छा, गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रस के जा हमारा हमारा, सारे जा से अच्छा हिंदोसिता मारा मारा, सारे जा से अच्छा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठी रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैरी रखना, हिंदी हम हिंदी हम वो तन है हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जा से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जा से अच्छा। 15 अगस्त है भारत नो स्वतंत्रता दिवस छे, ए आपनो राष्ट्रीय त्योहार छे। स्वतंत्रता पहला आपनो देश गुलाम हतो, आपना देश पर अंग्रेजों नो राज हतो, स्वतंत्रता सेनानियों अंग्रेजों ने आपना देश माथी हाकी करवा माटे लड़त चलावी, तो अंग्रेजी सत्ता ने उखेड़ी नाखवा आंदोलनो कर्या, असंख्य लोकोए बलिदानो आप्या, परिणामे 15 अगस्त 1947 ना रोज आपनो देश आजाद थयो हतो। त्यारथी दर वर्षे आपणे आपनो स्वतंत्रता दिवस उजवीए छीए। 15 ऑगस्टे શાળાઓમાં ધ્વજવંદન થાય છે, શાળાઓના મેદાનમાં રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવા
આપવામાં આવે છે, રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપવામાં આવે છે, રાષ્ટ્રગીત ગવાય છે, પછી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ થાય છે, દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પર આપણા વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવે છે, પછી તેમનું ભાષણ થાય છે, રાત્રે સરકારી મકાનો પર રોશની કરવામાં આવે છે. આપણે આપણો સ્વતંત્રતા દિવસ હોસો હોસો ઉજવીએ છીએ. આપણા દેશના વિકાસમાં સહભાગી થઈને આપણી આઝાદીનું રક્ષણ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લઈએ છીએ. ન પૂછો જમાને સે કે ક્યા હમારી કહાની હૈ, ન પૂછો જમાને સે કે ક્યા હમારી કહાની હૈ, હમારી પહેચાન તો યહી હૈ કે હમ હિન્દુસ્તાની હૈ. અસ્સલામુ અલૈકુમ. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ. हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं. जनाब सदर, तमाम असातिज़ाए किराम और अज़ीज़ दोस्तों, मैं सबसे पहले मेरी तरफ से आप तमाम को हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ. हजरात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया. ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए गांधी जी ने खुद को भूख से दोचार किया था. ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए असदुल्ला खान ने फांसी के फंदे को चूमा. जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ा गया तो भगत सिंह ने अपनी ज़ुबान से अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है. आज भी हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी. जब हम बहादुर शाह जफर की बात करें कि जब 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठरी के पीछे धकेला गया तो अंग्रेजों ने ये कहा, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की. हमारी ये खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ, ईसाई भी पैदा हुआ और सिख भी पैदा हुआ. लेकिन हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मत यह है कि इंसानियत पैदा नहीं हुई. अगर हम तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर अमन का प्रचार करने लगे तो हमारा मुल्क सज जाएगा, सवर जाएगा और उसका डंका पूरी दुनिया तक गूंजेगा. एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे. नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे. जान से भी प्यारा है हमें यह अपना तिरंगा, जान से भी प्यारा है हमें यह अपना तिरंगा, हम उसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. दे दूं मैं सच्चे रब के रास्ते में, फिर लौट के दुनिया में आऊं, फिर जाम शहादत नोश करूं. सो मार लड़ूं और जा दे दूं मैं सच्चे रब के रास्ते में, फिर लौट के दुनिया में आऊं, फिर जाम शहादत नोश करूं. बाजी बनूं या शहीद बनूं, बाजी बनूं या शहीद बनू. मेरे जिस्म का हर जुज कट जाए और मैयत खून में अट जाए, ये जुल्म का बादल छट जाए, ये कुफर का पहरा हट जाए, ये कुफर का पहरा हट जाए. बाजी बनू या शहीद बनू, बाजी बनू या शहीद बनू. उस
सीना से लड़ जाऊं, सीढ़ी फिर दोस्त की चढ़ जाऊं, जब दुनिया मुझ पे रश्क करे ये अल्लाह से मैं अर्ज करूं। गाजी बनूं या शहीद बनूं, गाजी बनूं या शहीद बनूं, 100 बार लड़ूं और जा दे दूं मैं सच्चे अब के रास्ते में, फिर लौट के दुनिया में आऊं, फिर जाम शहादत नोश करूं। जब डंका दी का बजने लगे और बोल सलाम का बाला हो, फिर मशरिक व मगरिब के अंदर फिर हक का नूर उजाला हो, फिर लाशों के अंबार लगे, फिर कैदियों के बाजार लगे, परवाज करे मेरा अल्लाह मुझ पे नाज करे, मेरा अल्लाह मुझ पे नाज करे। गाजी बनूं या शहीद बनूं, गाजी बनूं या शहीद बनूं, वो लुत्फ दोबारा से पाऊं, फिर लौट के दुनिया में आऊं, फिर जाम शहादत नोश करूं। गाजी बनूं या शहीद बनूं, गाजी बनूं या शहीद बनूं, 100 बार लड़ूं और जा दे दूं मैं सच्चे रब के रास्ते में, फिर लौट के दुनिया में आऊं, फिर जाम शहादत नोश करूं। मेरे जिस्म का हर जुज कट जाए और मैयत खून में अट जाए, ये जुल्म का बादल छट जाए, ये कुफर का पहरा हट जाए, ये कुफर का पहरा हट जाए। गाजी बनूं या शहीद बनूं, गाजी बनूं या शहीद बनूं, 100 बार लड़ूं और जा दे दूं मैं सच्चे रब के रास्ते में, फिर लौट के दुनिया में आऊं, फिर जाम शहादत नोश करूं। تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں ملک ہندوستان میں پیدا فرمایا، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے اس پیغمبر پر جنہوں نے ہمیں وطن سے محبت کرنا سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے مکہ سے محبت کرتے رہے، جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو مدینہ سے بھی محبت کی، اس کے لیے بھی دعائیں کی، اور اپنے عمل سے اپنی امت کو یہ بتایا کہ مسلمان جس ملک میں بھی رہے اپنے اس ملک سے محبت کرے، کیونکہ یہ محبت کرنا اس کے لیے اپنے نبی کی سنت قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے ہندوستان کا ہر مسلمان یہ کہتا نظر آتا ہے
कि दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वफा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वफा आएगी। तो अपने मुल्क से वफादार रहना, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, ये हमें हमारा दीन सिखाता है, हमारा मजहब सिखाता है। मजहब आपस में लड़ना नहीं सिखाता, दीन आपस में नफरत फैलाना नहीं सिखाता। इसीलिए इकबाल ने ये कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये मजहब की एक खसूसियत है और ये दीन इस्लाम की एक खूबी है कि दीन इस्लाम का मानने वाला जिस मुल्क में भी रहेगा वो अपने मुल्क से मोहब्बत करेगा। और देखें कि इस मुल्क में रहने वाले हिंदुस्तानियों ने कैसे मोहब्बत की है। आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लेकिन एक ज़माना था जब बरसों तक हिंदुस्तान के रहने वाले गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ये एहसास उन्हीं को होता है जिन्होंने गुलामी की ज़िंदगी गुजारी। जिस तरीके से जो बेटा पैदा होते ही करोड़पति है, मालो दौलत कितनी बड़ी नेमत है, उसे उसका एहसास नहीं होता। मालो दौलत और रुपये पैसे की अहमियत पूछनी है उस शख्स से पूछो कि जिसने गरीबी से शुरुआत की, मेहनत मशक्कत करके, धूप न देखी, छांव न देखी, बारिश न देखी, मेहनत करके वो ऊपर आया, मालदारी हासिल की, उसे अहमियत होती है कि मालो दौलत क्या है। इसी तरह हम पैदाइश से आज़ाद हैं, हमें एहसास नहीं है कि ये आज़ादी जो आज के दिन हमें मिली थी वो कितनी बड़ी नेमत है। अगर इसका एहसास करना है तो उन मुजाहिदों की ज़िंदगी पढ़ो जिन्होंने इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां पेश की हैं, जिन्होंने इस हिंदुस्तान के लिए भूख प्यास को बर्दाश्त किया, इस मुल्क के लिए अपना मालो दौलत कुर्बान किया, इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की। किसी माँ ने अपने इस मुल्क के लिए बेटों की कुर्बानियां पेश की, किसी बीवी ने अपने इस मुल्क के लिए अपने शौहर की कुर्बानी पेश की, अपने इस मुल्क के लिए किसी बहन ने अपने भाई की कुर्बानी पेश की है। तो ये मुल्क जो है वो कुर्बानियों से सींचा गया। आज ये जो हमें गुलिस्तान और ये चमनिस्तान लहलहाता नजर आ रहा है, दुनिया का जो बाग होता है उसे पानी से सींचा जाता है, लेकिन ये मुल्क हिंदुस्तान का जो बाग है वो पानी से नहीं, शहीदों के खून से सींचा गया है। ये बाग शहीदों के खून से सींचा गया है। तो इसीलिए ये हिंदुस्तान हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। मुसलमानों ने इसके लिए कैसी कुर्बानियां पेश की। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आज़ादी की जंग शुरू हुई 1857 से, लेकिन ये गलत है। इस मुल्क के लिए सबसे पहली कुर्बानी जिसने दी थी 1799 के अंदर, वो टीपू सुल्तान हैं। टीपू सुल्तान ने इस मुल्क के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी कुर्बानी, अपनी शहादत पेश की। और जब टीपू सुल्तान की शिकस्त हुई, वो भी अंग्रेज जो थे ना, दो किस्म के अंग्रेज थे, एक गोरे अंग्रेज थे और एक काले अंग्रेज थे। ये गोरे अंग्रेजों ने हुकूमत की है और काले अंग्रेजों ने उन गोरे अंग्रेजों की चापलूसी की है, और मुल्क के मुजाहिदीन के साथ और इस मुल्क के साथ गद्दारी का काम किया है। तो जब टीपू सुल्तान शिकस्त खा गए उन काले और गद्दार अंग्रेजों की वजह से, और उनकी लाश खून में लथपथ अंग्रेजों के सामने थी अपने पैरों में, जब इन्होंने टीपू सुल्तान की लाश देखी खून में लहूलहान, उस वक्त अंग्रेजों ने ये कहा था, आज से हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेजों ने उस वक्त कहा, आज से
इस जुमले पर गौर करें कि उन्होंने आज से क्यों कहा, जब तक टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिंदा था किसी अंग्रेज के अंदर यह हिम्मत नहीं थी कि वो कह दे कि हिंदुस्तान हमारा है। जब तक वो शेर जिंदा था तब तक किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। जब टीपू सुल्तान की शहादत हुई है तब अंग्रेजों की जबान से यह निकला कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, अब हमारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं बाकी बचा। तब उन्हें उनकी जुरातें बड़ी हैं। तो ये हिंदुस्तान, बहुत सारे मुसलमानों ने कुर्बानियां पेश की, अशफाकुल्ला खान ने हंसते हुए फांसी के फंदे को अपने गले से लगाया है, और दिल्ली के अंदर इंडिया गेट के ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं, 95,000 से ज़्यादा शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें 64,000 तकरीबन ये मुसलमानों के नाम हैं, यानी जो शहीद होने वाले हैं उनमें 65% शहीद होने वाले जिनके नाम लिखे गए हैं, जिनकी तादाद लिखी गई है इंडिया गेट पर, वो मुसलमान हैं। आधे से भी ज़्यादा 65% मुसलमान हैं। लेकिन आज उसी मुसलमान कौम से सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि तुम हिंदुस्तानी हो, बताओ कैसे, जबकि हमारे खून से इस सरजमीन को सींचा गया, लेकिन फिर भी हमसे सर्टिफिकेट मांगा गया। और मांगने वाले भी कौन? काले अंग्रेज। वो काले अंग्रेज जिन्होंने गद्दारी का काम किया था, आज वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि तुम हिंदुस्तानी हो तो बताओ तुम्हारे पास सर्टिफिकेट क्या है। हमारे लिए सर्टिफिकेट यही है कि हमने इस धरती के लिए कल भी अपना खून पेश किया था और आज भी अपनी वफादारी पेश कर रहे हैं। कल इस मुल्क को हमारे खून की जरूरत थी तो हमने खून पेश किया है, और आज ये मुल्क हमसे खून नहीं मांग रहा, आज ये मुल्क हमसे कुर्बानियां नहीं मांग रहा, आज ये मुल्क हमसे वफादारी तलब कर रहा है। और हम इस मुल्क से वफादारी करते हैं, करते रहेंगे, जब तक हमारे जिस्म में जान है इस मुल्क से वफादारी हम करते रहेंगे। मुल्क का वफादार कैसे बन सकते हैं? अगर दूध बेचने वाला है वो दूध में पानी न मिलाए, ये मुल्क से वफादारी है, और अगर कोई दूध में पानी मिलाता है तो ये मुल्क से गद्दारी है। ये करप्शन के साथ जो हुकूमतें चल रही हैं ये मुल्क से गद्दारी है, ये मुल्क से बेवफाई कर रहे हैं। करप्शन से पाक जो हुकूमत चलेगी वही मुल्क की वफादार हुकूमत होगी। तो आज हमें जो है गौर करने की जरूरत है कि कौन मुल्क का वफादार है और कौन गद्दार है। मुल्क के बाशिंदों को आपस में मिलाने वाला, मोहब्बत बांटने वाला जो होगा वो मुल्क का वफादार होगा, और जो नफरत फैलाने वाला होगा, मुल्क के बाशिंदों को आपस में लड़ाने वाला होगा, वो कभी भी मुल्क का और कौम का, इस हिंदुस्तान का वफादार नहीं हो सकता। तो हम इस मुल्क के वतनी हैं और हम ये कहते हैं कि हम वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे। हम इस सरजमी को एक दिन आसमां बनाएंगे, हम इस सरजमी को एक दिन आसमां बनाएंगे। अल्लाह ताला हमें इस मुल्क का वफादार रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज मुल्क हिंद की आज़ादी जो गोरे अंग्रेज़ों से हुई उसका 78वां साल है। आज के दिन हमारी इस छोटी सी मदनी स्कूल में यौमे आज़ादी मनाया गया, और इसमें जिन जिन बच्चों ने स्पीच दिया, परफॉर्मेंस पेश किया, बहुत काबिले तारीफ़ है, और बड़ी अच्छी मेहनत से इन बच्चों को स्कूल के स्टाफ ने तैयार किया। हमारे तमाम मेहमान लोग इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। हम तमाम स्टाफ को मुबारकबादी पेश करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इसी तरीके से हमारे इन बच्चों को बेहतर से बेहतर काम करने की और दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने की तौफीक अता फरमाए।
यहाँ पर जितने भी हजरत आए हुए हैं, हम मदनी स्कूल की जानिब से तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला हमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।